वेलकम टू द ब्लॉग। सो आज फिर वीकेंड है और मैं एक नए जगह पे आया हूँ घूमने। तो ये जगह मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह कैसा है। और ये जगह, ये एरिया तलेगांव एरिया में पड़ता है। ये पुणे से कम 20-25 किलोमीटर पड़ता है और वाकड़ से 17 किलोमीटर पड़ता है। तो काफ़ी मस्त एरिया है। और जिस एरिया में मैं आया हूँ यहाँ आने के लिए आपको पुणे मुंबई हाईवे पकड़ के आपको आना पड़ेगा। जैसे लोनावला के लिए आप पुणे से जो हाईवे पकड़ते हो मुंबई पुणे हाईवे, तो वही हाईवे पकड़ के आपको इधर आना पड़ेगा। और मैं अभी इसलिए शूट कर रहा हूँ यहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि ये एरिया पूरा डिफेंस जोन में आता है और हर जगह लिखे हुए हैं कि कोई भी फोटोग्राफी स्मार्टफोन और कुछ भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये पूरा आर्मी एरिया है। बट यहाँ जो जिस जगह मैं पहुँचा हूँ यहाँ आप आके फ़ोटो वीडियो वगैरह बना सकते हो। तो हाईवे से जस्ट लेफ्ट लेने के बाद लोनावला के लिए जब आओगे तो ये एरिया लगता है और फिर से आर्मी एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, चलो मैं यहाँ आ गया हूँ और आपको ये एरिया पूरा दिखाता कि आखिर मैं आया कहाँ हूँ। तो चलो, ये पीछे मेरे वो एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मंदिर है, एक छोटा सा वाटरफॉल जैसा है, सब कुछ है और काफ़ी मस्त एरिया है। तो मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ का एक्सप्लोर कराता हूँ, दिखाता हूँ। और आपको अगर रील भी अगर आपको देखना है तो सुमित अंडरस्कोर तिवारी से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो इंस्टा पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ रील देख सकते हो यहाँ का, जिस जगह पे मैं आया हूँ। तो अभी सनसेट होने वाला है, मैं आपको सनसेट भी यहाँ का दिखाऊंगा और सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ। सो लेट्स गेट जगह पे मैं आया हूँ। ये जगह का नाम कुंडमाला है। आप नीचे देखो, जैसे ये पूरा रिवर है और झील जैसा बना हुआ है क्योंकि पानी नहीं है। आगे डैम है, एक वाटरफॉल जैसा है, तो वहाँ भी मैं चल करके वहाँ का भी शूट करके वहाँ। सो चलो एक लोकेशन आपको दिखाता हूँ जहाँ पूरा पानी है और काफ़ी स्पीड में पानी बह रहा है। सो चलो 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 आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो मैं किधर हूँ। सो मैं आपको किनारे पे एकदम लेके चलता और दिखाता। ये देखो, ओ है ना खूबसूरत एरिया। सी
द ब्यूटी। तो इस एरिया में मैं काफ़ी देर तक बैठा हुआ था और बैठ के इधर पूरा रील बनाया प्लस वीडियोस बनाए इस जगह का। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे उधर, यहाँ दिखाऊँ वहाँ पीछे मेरे मंदिर दिख रहा है, वहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वीडियो शूट करूँगा। वहाँ काइंड ऑफ वाटरफॉल जैसा ही है, पानी नीचे आ रहा है तो वो मस्त सा दिखेगा। और अभी सनसेट होने वाला है, सो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू क्लिक और शूट एनी वीडियोस। एंड ये पूरा गोल्डन गोल्डन सा दिख रहा है आगे चल के, तो मैं चलो वहाँ से बिना देरी किए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा शांति के लिए इधर बैठा हुआ था कि थोड़ा सा शांत सा मजा आए, और बहुत टाइम इधर वेस्ट कर लिया, तो चलो उधर चलता हूँ, उधर का मैं शूट करता हूँ, उधर वीडियो बनाता हूँ। लेट्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रील वर्सेस रियल लाइफ। अब यहाँ मैं आया हूँ कुंडमाला, और यहाँ का आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा कि कितना अच्छा पानी वगैरह है इधर, अच्छा लोकेशन है, सब कुछ है, बट ये है रील वाला लाइफ और ये दिस इज़ रील वाला। तो देखो यहाँ कितना भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ है। तो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रील वर्सेस रियल लाइफ। सो हर जगह आपको ऐसे ही मिलेंगे, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू फाइंड द गुड लोकेशन एंड द गुड प्लेस वेयर यू कैन क्लिक योर फोटोज एंड शूट योर वीडियोज। सो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल। और ये देखो मैं इस मंदिर की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पीछे मंदिर जो दिख रहा है, इसी मंदिर की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ भी जाने वाला हूँ और वहाँ भी मैं शूट करूँगा, वहाँ दिखाऊँगा। सामने में ये जो ब्रिज दिख रहा है, यहाँ का भी मैंने बहुत सारे रील और वीडियोस देखा हुआ है। एक्चुअली मैं रील और वीडियो देख के ही इधर आया, सो मैं वहाँ चल के भी आपको वहाँ शूट करूँगा, वहाँ का दिखाऊँगा। सो लेट्स गो। तो मैं इसी मंदिर की बात कर रहा था, देखो यहाँ सामने जो मंदिर दिख रहा है, इसी मंदिर की बात कर रहा, वो एक माता का मंदिर है। देखो कितना परफेक्ट लोकेशन पे है, इस पानी का आवाज़ सुनो क्या सही। तो मैं इसी एरिया की बात कर रहा था, सी क्या मस्त वाटरफॉल है, उस साइड में डैम है और डैम ओवरफ्लो होके पानी आ रहा है, तो यहाँ काफ़ी लोग हैं यार, तो ढंग से शूट तो नहीं कर पा रहा। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़।
चलो उस एंगल से मैं फोटो वोटो बहुत सारा शूट किया। अब ये पीछे जो मंदिर दिख रहा है वहाँ मैं जाने वाला हूँ। ये ऊपर ब्रिज चढ़ के ऊपर जाना है। चलो मैं उधर चलता हूँ, उधर का भी पूरा शूट करके आता हूँ। यहाँ घूम लिया चारों तरफ, जो जो अच्छी चीज़ें थी एक्सप्लोर कराया, आपको दिखाया और कुछ सिनेमेटिक वीडियोज़ भी बनाए, रील्स भी बनाए। अगर रील्स आपको देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर देख लेना। इवन फोटोज़ भी बहुत सारे क्लिक किया और फोटो मैं फेसबुक और इंस्टा दोनों पर अपलोड करूँगा, तो आपको फ़ोटो और इंस्टा यहाँ का देख लेना, काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं। तो मैं आपको फेसबुक और इंस्टा दोनों पर अपलोड कर दूँगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स इट, यहाँ कंप्लीट हो गया। ये ऐसा जगह है जहाँ मैं फिर से आने वाला हूँ, फिर से एक्सप्लोर करूँगा किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू सून। बाय बाय।